अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में मैं आईकेप का ऑटम 2013 का क्वेश्चन 7B जो है वो सॉल्व करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ ऑटम 2013 का क्वेश्चन नंबर 7B। अच्छा, आप लोग जो है वो अपने सामने सवाल रखना जो प्रैक्टिस मैनुअल आप लोगों को दिए गए हैं, उसमें ईयरली पास पेपर शुरू में उसमें से आप देख सकते हैं, या अराउंड पेज 400 एंड समथिंग के आसपास, फोर मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ, बल्कि एग्जैक्ट तो नहीं है, एक अंदाज़े के हिसाब से 440 के आसपास जो है वो प्रोबेबिलिटी के सवाल आते हैं, वहाँ पर ये सवाल होगा। ठीक है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है। मैं इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों के साथ इस सवाल को डिटेल में ज़रा डिस्कस कर और इसको सॉल्व करता हूँ। इस सवाल में लिखा हुआ है ए पी जेड लिमिटेड प्रोड्यूसेस ए कंपोनेंट हैविंग अ डायमीटर ऑफ 3 सेंटीमीटर्स। एक कंपनी है और वो कंपनी जो है ना वो कोई कंपोनेंट बनाती है, कंपोनेंट यानी कि कोई भी टूल बनाती है, कोई प्रोडक्ट बनाती है, कोई चीज़ बनाती है जिसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर होता। डायमीटर 3 सेंटीमीटर होने का मतलब ये कि ये कोई सर्कल चीज़ होगी और इसकी ये जो लेंथ है ये 3 सेंटीमीटर्स है। A customer has ordered 100,000 units and has indicated that he would be willing to accept a variation of up to 0.01 centimeters. इस कंपनी के पास एक कस्टमर आया और उस कस्टमर ने बोला मुझे 1,00,000 कॉम्पोनेंट्स चाहिए, 1,00,000 यूनिट्स आप मुझे बेचो, आप मुझे दो, 1,00,000 कॉम्पोनेंट्स मुझे चाहिए। ठीक है, और इस कस्टमर ने एक और बात कही एंड हैज़ इंडिकेटेड दैट ही वुड बी विलिंग to accept a variation of up to 0.01 centimeters. उसने ये कहा कि यार अगर कोई चीज़ जो है ना वो 0.01 centimeters की वेरिएशन में होगी तो फिर भी मैं वो तुमसे ख़रीद लूँगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई चीज़ जो है वो थोड़ी सी बड़ी हुई, यानी कि 3.01 centimeters तक कह लो कि हुई, तो भी मैं तुमसे ये परचेज़ कर लूँगा। या अगर कोई चीज़ जो है वो 2.99 उसका जो है वो डायमीटर हुआ, तो भी मैं वो तुमसे परचेज़ कर लूँगा। हाँ, अगर कोई चीज़ इस लेवल के बाहर हुई, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कंपोनेंट ऐसा हुआ जिसका जो डायमीटर था वो 3.02 सेंटीमीटर्स था, बोलते फिर मैं तुमसे ये नहीं ख़रीदूँगा। ठीक है ना, इसका मतलब कोई भी चीज़ जो 3.01 और 2.99 सेंटीमीटर्स के बीच में डायमीटर रखेगी, कोई भी ऐसा टूल जो या कॉम्पोनेंट जो मैं बना रहा हूँ जिसका डायमीटर 2.99 या उससे ज़्यादा हो और 3.01 से कम हो, तो मुझे कोई मसला नहीं है, मैं वो तुमसे ख़रीद लूँगा। लेकिन अगर उससे कोई कंपोनेंट तुमने बेचा जिसका डायमीटर बड़ा हुआ तो मैं उसको ख़रीदूँगा नहीं। अब देखो, मशीन्स में ऐसा होता है या ये जो भी प्रोडक्ट होगा इसमें ऐसा मसला होगा कि मशीन्स जो है वो कभी थोड़ा सा छोटे डायमीटर का या थोड़े से बड़े डायमीटर का कॉम्पोनेंट बना रही होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पाइप है और जनरली पाइप 3 सेंटीमीटर का ही बनता है, लेकिन कभी कभार मशीन जो है वो पाइप का डायमीटर थोड़ा सा छोटा या थोड़ा सा बड़ा कर देता है। तो इस कस्टमर ने बोला मुझे 1,00,000 पाइप के पीसेस चाहिए और अगर वो 2.99 सेंटीमीटर और 3.01 सेंटीमीटर के बीच में तो मैं तुमसे ख़रीद लूँगा, वरना मैं तुमसे नहीं ख़रीदूँगा। सर ये कैसे पता? ये ऐसे पता कि देखो, आम हालात में एक पाइप जो है वो 3 सेंटीमीटर का है, और अगर ये कस्टमर बोल रहे हैं मैं 0.01 की वेरिएशन एक्सेप्ट कर लूँगा, यानी कि अगर 3 सेंटीमीटर से 0.01 बड़ा हुआ या अगर 3 सेंटीमीटर से 0.1 सेंटीमीटर छोटा हुआ, 0.01 इनफैक्ट, तो मैं इसको परचेज कर लूँगा। यानी कि कोई भी पाइप अगर 2.99, 2.3 या 3.001 या 3.002 या 0.03 या 3.004 इसी तरह से 3.01 सेंटीमीटर तक का हुआ तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँगा। द डायमीटर ऑफ द कॉम्पोनेंट हैज़ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका जो डायमीटर है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, जिसकी एक आप लोगों ने जो है वो ओवरव्यू अंडरस्टैंडिंग ले ली है, विद मीन ऑफ 3 सेंटीमीटर्स, और इन डायमीटर्स का जो मीन है वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 0.005, और इसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 0.005 है। ठीक है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स दैट द कस्टमर वुड रिजेक्ट, कितने कॉम्पोनेंट्स कस्टमर रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्ट का मतलब है कि अलाउ, बोलेगा कि यार नहीं यार ये सही नहीं है, कितने कॉम्पोनेंट्स वो रिजेक्ट कर देगा। अच्छा, अब मुझे मालूम है कि जितने भी पाइप के पीसेस कंपनी इस कस्टमर को देगी, अगर कोई भी पाइप 3.01 सेंटीमीटर से बड़ा हुआ तो
तो कस्टमर रिजेक्ट कर देगा। अगर कोई भी पाइप का पीस 2.99 सेंटीमीटर से छोटा हुआ तो भी कस्टमर रिजेक्ट कर देगा। हम एक काम करते हैं, पहले ये ढूंढ लेते हैं कि कितने परसेंट पाइप के पीसेस ये कस्टमर एक्सेप्ट करेगा। कैसे ढूंढेंगे? अगर मुझे ये मालूम करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये कस्टमर कोई पाइप का पीस एक्सेप्ट कर लेगा, तो मुझे ये मालूम है कि सारे वो पाइप के पीसेस जिनका डायमीटर 3.01 सेंटीमीटर्स या उससे कम होगा, ठीक है, सारे पाइप के पीसेस जिनका डायमीटर 3.01 सेंटीमीटर्स या उससे कम होगा और 2.99 सेंटीमीटर्स या उससे ज़्यादा होगा, उनको ये कस्टमर एक्सेप्ट कर लेगा, बोलेगा ठीक है। ये एक्सेप्ट करने वाली जो पीसेस होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, अब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी ढूंढने के लिए करते ये हैं, क्या हमारा जो सवाल होता है उसको हम जेड स्कोर में कन्वर्ट करते हैं। यूजिंग जेड इज इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन। तो यहाँ पर जब हम इसको एक्स को जेड में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे पी, बीच में लिख देंगे जेड, साइंस डाल देंगे। अच्छा, कन्वर्ट कैसे करेंगे? 2.99 को पहले कन्वर्ट करते हैं। जेड इज इक्वल्स टू 2.99 यानी कि एक्स की वैल्यू आई माइनस म्यू यानी कि 3 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन यानी कि 0.005। ठीक है, तो एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन यानी कि 2.99 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 0.005 यह आता है माइनस 2। तो यहां पर आ गया माइनस 2। अच्छा, 3.01 को कन्वर्ट करते हैं। जेड इज इक्वल्स टू एक्स, अब एक्स होगा 3.01 माइनस म्यू, म्यू है 3 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन जो कि है 0.005। ठीक है, तो 3.01 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 0.005 ये बन जाता है जेड इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो हमने जो हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम काम करते हैं कि एक्स को जेड में कन्वर्ट करते हैं वो करा। अब क्या करेंगे? अब हम अपना डायग्राम बनाएंगे। अच्छा, हमारी प्रोबेबिलिटी का एरिया कैसे आएगा सर? प्रोबेबिलिटी का एरिया निकालने के लिए आप ज़रा डायग्राम बनाओगे और डायग्राम में आप इस तरह का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम होता है, बिल्कुल सेंटर में जेड जीरो होता, राइट साइड पर यहाँ पर जेड टू होगा और माइनस टू यहाँ कहीं होगा। ठीक है, मुझे वो एरिया शेड करना है जो टू और माइनस टू के बीच हो, यानी कि मेरा जो एरिया होगा अगर मैं उस एरिया को शेड करूँ तो वो ये वाला एरिया होगा। ये एरिया जो है वो माइनस टू और टू के बीच में, ठीक है, ये वो एरिया है जो टू और माइनस टू के बिल्कुल बीच में। इस एरिया को पहले तो मैं शेड कर देता हूँ। अब इस एरिया की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, मैंने कुछ ग्रुप पे वीडियोस शेयर करी थी जिसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सारा बेसिक जितनी भी चीज़ें हैं ना वो डिस्कस हो रही थी। ठीक है, तो उसको आपने देखना है, लाजमी देखना है। बहरहाल, अगर मैं इस एरिया की वैल्यू निकालूं, आप लोगों के सामने सवाल होना चाहिए, जितनी वर्किंग हमने करी है अभी तक वो कॉपी होनी चाहिए। प्ले रिवाइंड फॉरवर्ड पॉज कर कर सारी चीज़ें इसको देखो। अच्छा, अब ये एरिया ढूंढना है। हम क्या करते हैं कि हम जो है ना वो एक काम करते हैं कि हम अपना कैलकुलेटर यूज़ कर कर और ज़ीरो और टू के बीच का एरिया ढूंढ लेते हैं। जितना ज़ीरो और टू के बीच का एरिया होगा उतना ही एरिया जो है ना वो होगा जीरो और माइनस टू के बीच। ठीक है, तो पहले तो हम देखते हैं कि जीरो और टू के बीच का एरिया कितना है। अच्छा, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो लेक्चर शेयर किया है कि कैलकुलेटर पर आप कैलकुलेट कैसे करोगे इस एरिया को। ठीक है, मैं यहाँ पे रिपीट भी करता चलता हूँ कि कैलकुलेटर पर हम एरिया कैसे ढूंढते हैं। मेरे पास FX991 कैसियो का मॉडल है जो कि सिल्वर वाला मॉडल होता है, और मैं प्रेफर करूँगा कि एग्ज़ाम में भी आप यही लेकर जाओ, बिकॉज़ नए वाले मॉडल्स अलाउड नहीं है जो क्लासेस हैं, और पुराने वाले जो मॉडल्स हैं उसमें कुछ फंक्शंस कम होंगे। तो सिल्वर वाला जो मॉडल है उसमें मैं स्टेप्स रिपीट करूँ। आप सबसे पहले मोड प्रेस करते हो, ठीक है ना? मोड प्रेस करोगे ना तो आपके पास इतने सारे ऑप्शन आएंगे। वहाँ पर थ्री पे लिखा हुआ होगा स्टार्ट,
तो थ्री प्रेस करोगे, मोड प्रेस कर कर थ्री प्रेस करोगे ताकि आप स्टैट मोड में चले जाओ। जब आप ऐसा करोगे तो आपके स्क्रीन पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई आ रही होंगी, आप एसी की प्रेस कर दो, स्क्रीन को क्लियर कर दो, एसी की प्रेस कर दो। आप देखोगे तो स्क्रीन के टॉप पर छोटा सा स्टार्ट लिखा हुआ आ रहा होगा। फिर आप शिफ्ट प्रेस करो, शिफ्ट की प्रेस कर कर, और साथ में आप प्रेस करोगे वन की, बिकॉज वन के ऊपर जो है ना आपके पास स्टार्ट लिखा हुआ आ रहा होगा। उसके बाद आप फाइव प्रेस कर कर डिस्ट्रीब्यूशंस में जाओगे, उधर आपको वो पी क्यू आर टी बहुत सारी बातें बता रहा होगा। क्यू क्या होता है सर? क्यू जो है ना, आप टू पर जाओगे जहाँ पर क्यू लिखा हुआ हो, ठीक है। क्यू जो है ना वो आपको सेंटर से जो नंबर आप टाइप करोगे उधर का एरिया बताएगा। तो आप टू प्रेस कर कर क्यू में चले गए, और फिर उधर इस सवाल के हिसाब से हमने टू प्रेस किया बिकॉज हमें सेंटर से लेकर जहाँ पर जेड टू है उसके बीच का एरिया मालूम करना। तो हमने जब ऐसा किया और फिर ब्रैकेट क्लोज कर कर इक्वल्स टू प्रेस किया, तो आंसर आएगा 0.47725। और ये 0.47725 जो है ना, 0.47725 या 0.4772, या आपको ये वाला एरिया दे रहा है जो कि 0 से लेकर 2 के बीच का एरिया है, ठीक है ना। अब आपके पास जब ये एरिया आ गया 0.4772, तो अगर सेंटर से जहाँ पर Z2 है वो एरिया इतना है, तो मैंने सिखाया था कि ये डायग्राम सिमेट्रिकल होता है, सेंटर से जहाँ पर -2 है वो एरिया भी सेम होगा, ठीक है। देखो सेंटर से अगर पॉजिटिव 2 का एरिया 0.4772 है, तो सेंटर से नेगेटिव 2 का एरिया भी 0.4772 होगा। अच्छा, इसको टोटल करते हैं, 0.4772 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि तकरीबन 0.9544 या 95.44%। अब सर ये क्या है? ये बात है कि भाई 95.44% जो कंपोनेंट्स हैं वो ये कस्टमर एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट नहीं, एक्सेप्ट करेगा। बिकॉज ये तो हमने वो प्रोबेबिलिटी निकाली है जो एक्सेप्ट करने की प्रोबेबिलिटी है, या 0.9545 बोल रहे हो। तो रिजेक्ट कितने करेगा? अगर हम बात करते हैं कि रिजेक्ट कितने करेगा, तो रिजेक्ट के लिए हम वन में से माइनस कर देंगे 0.9544, ठीक है ना। अगर 95.44% वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो बचे हुए जो 4.56% है वो ये रिजेक्ट करेगा, ठीक है भाई। अच्छा, अब जब ये वाली बात हो गई, उसने हमसे ये नहीं पूछा था कि रिजेक्ट कितने परसेंट करेगा, बल्कि उसने ये पूछा था एस्टिमेट द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स दैट द कस्टमर विल रिजेक्ट। तो अब 4.56% कंपोनेंट्स वो रिजेक्ट करेगा, लेकिन उसने हमसे परचेज किए हैं 1 लाख कंपोनेंट्स। तो अगर मैं इस बात का जवाब दूं, तो मैं 1 लाख उसने चीज़ें खरीदी हैं, इसमें से 4.56% जो है वो रिजेक्ट करेगा। जब वो 4.56% रिजेक्ट करेगा, तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 4.56% यानी कि 4,560, 4,560 कॉम्पोनेंट्स ऐसे हैं जो ये कस्टमर जो है वो रिजेक्ट करेगा। हमारा आंसर 4560। आप लोगों से गुजारिश है कि काइंडली इस वीडियो लेक्चर को एक से दो बार देखें बार बार, और इस सवाल को सॉल्व करें, ठीक है। फिर हम मज़ीद आगे भी बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया।